हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मेरी बीवी के बदले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कैमरा जो है मुझे मेरी बीवी सिखा रही है कहाँ बोलना है। ठीक है, आप जो है अभी स्मिता बोलेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हमारे घर का जो एक मजदूर है वो आज मजदूरी करने वाला है। आज हमारे घर का मजदूर जो है आज वो पेंटिंग कर रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये पेंटिंग ना एक महीने से आधा बाकी था और बोल रहे थे छुट्टी होगा। अब जैसे नजदीक आ रहा है घर छोड़ने के लिए, अब वो पेंटिंग करना स्टार्ट किए। मैं टर्न ये आदमी को देखिए, देखिए ये आदमी यहाँ है। हेलो, देखिए मेरी बीवी मुझसे कितना काम करवा रही है। लास्ट टाइम हम ना पूरा इस साइड कर दिए थे, आप ही का काम है छत। ठीक है, है ना? ठीक है। देखिए घर छोड़ने से पहले ना हम लोग को घर जिस कंडीशन में था ना उसी कंडीशन में देना, तो इसीलिए ये घर का रंग रोगन जो है चल रहा है। रंग रोगन क्या होता है? रंगाई होता है। ठीक है। और ये ना बीच बीच में इधर वाला भी इस साइड भी कीजिए। तो देखिए करने के बाद ना हम बीबी को ही दिखाते हैं कि बीबी कैसा लग रहा है। उस साइड तो सूख गया है, इधर अभी गीला है। तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि लास्ट टाइम हम इस साइड पूरा किए थे और उधर भी कर दिए थे। छत मेरे से नहीं होता है उतना, थोड़ा सा हुआ था और उनका बाकी था, वो किए नहीं। उसके बाद से हम लोग का बेडरूम हो गया। मेरा टेबल गंदा हो जाएगा, इस पे रखे भी नहीं प्लास्टिक। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलो तो भी फंसो, नहीं बोलो तो भी फंसो, बढ़िया है कि शांति रहो। पेंट चलिए, मैं बस सूट आज करूंगी। अब इस लाइन को करते हैं, ठीक है? ये क्या है, आधा घंटा करते हैं उसके बाद वेट करते हैं, सूखेगा फिर करेंगे। पूरा हम छत को ना चमका के छोड़ेंगे आज। हाँ, तो लास्ट ये बचा हुआ है हमारा, पता है ये कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा देर फिर बैठ जाएंगे, फिर सूखेगा फिर करेंगे। मतलब पूरा दिन आज यही चलने वाला, मैं तो नहीं करने वाली हूँ आज। लास्ट टाइम पता है हम लोग 3 दिन तक पूरा हाथ में बाल वाल में मैं पेंट लगा हुआ था 3 दिन तक किए। ये लास्ट टाइम हमने इसमें पूरा पेंटिंग किया था, पूरा ये सारा किए थे, है ना? अपना ये दीवार दिखा दीजिए, ये दीवार आपने किया है पूरा, ये वाला दीवार। ये दीवार मैंने किया, ये दीवार मेरी बीवी पूरा किए, ये उसमें भी किए थे, बेडरूम का भी किए थे। ये वाला दीवार हमने पूरा किया, ये वाला दीवार हम दोनों मिलकर किए थे। लास्ट टाइम हम लोग दिवाली में भी थोड़ा सा पेंट किए थे, इसी रूम का नहीं किए थे, क्योंकि क्या है ना पूजा जब करते हैं नवरात्रा, उसमें जब कपूर जलाते हैं ना तो साइड में काला हो जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए हमने पेंटिंग किया। उसके बाद अब भी तो घर छोड़ना है, आप जिस कंडीशन में घर लिए आपको उसी कंडीशन में घर देना है। जो सामान आपके घर में दिया था आपको वैसे ही रिटर्न करना, अगर आप रिटर्न नहीं करते हैं तो आपका, ये देखिए हम काम कर रहे हैं। आपका जो आप जो डिपॉजिट मनी दिए हैं वो आपका नहीं मिलेगा। एक तो डिपॉजिट मनी जो आप दिए हुए वो भी कट जाएगा, ऊपर से और चार्ज जोड़ेगा। तो जितना हो सके उतना क्लीन करके देंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या यार ये देखो, तो गुड़िया को मेरी बीवी ने जार में बंद कर दिए, क्या ये? दिखाती हूँ, ये देखो कहाँ गया ये, है ना? ये लाइट सुंदर लग रहा है ना, वाओ। गुड़िया को देखे ना बंद, बोले क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहने गुड़िया लावारिस होके ना रिसी तीदा सुधर उसको ना। मेरी बीवी ना आजकल पूरा डेकोरेशन करना नया नया तरीका जो है खोज रही है, पैसा खूब बर्बाद कर रही है। दिखाए थे हम आपको एक ब्लॉग में, कुछ नहीं बर्बाद कर रहे। देखिए जहाँ स्वच्छता रहेगा क्लीनिंग रहेगा, लक्ष्मी माता मैया। सही बात, मतलब सब जहाँ पे आप रह रहे हो उस घर को आप सब बना के रखो, क्लीन करके रखो, अच्छे से रखो, पॉजिटिव लगता है। ये हमारे लाइट हमको बहुत सुंदर लगता है, डेकोर आइटम तो हमको खैर पसंद तो है ही। तो हमारा पेंटिंग अभी हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा मदद कर देती हूँ।
तब ब्रेक में मिलते हैं, जब चाय वाय पियेंगे तो मिलेंगे आपसे ब्रेक में। चलिए ये देखिए, अब हम मैं पेंटिंग यहाँ करने वाली हूँ स्टोन का, ये वाला ऑन हो गया। हाय, ये देखिए मेरी बीवी को। हाँ, मेरी बीवी क्या कर रही है, ठीक है, पागलपंती का जितना निशानी है ना सब कर रही है इस घर में। पत्थर ले आई है नीचे से और उसमें अब कलर करेगी, आपको दिखाएगी। देखिए हम तो जा रहे हैं, बाय। और वो कौन करेगा पेंटिंग? कौन पे? मेरी बीवी करेगी। मेरी बीवी पेंटिंग में ना हेल्प भी नहीं कर रही है, घर को पेंट करना है वो नहीं कर रही है। हेल्प कर दी है वो थोड़ा सा, ना चला उसको भी फिनिश कीजिए। इसको पहले व्हाइट कलर से कोट कर देते हैं वन बार, उसके बाद फिर ये सूखेगा, फिर इस पे कलर करेंगे। अच्छा तू ये पेंटिंग कर दो, बैठो यहाँ पे, इस पत्थर को करना है, इसे लो और करो। वाह, मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है। अच्छा से पूरा एकदम अच्छे से एकदम। देखिए मामा कैसे बनाई, वो बना रहा है ना ये, पूरा डार्क को जितना ये डार्क है ना उसको व्हाइट करना है हम लोग। और कितना करेगा वो पता ही है, भागेगा जल्दी से। थोड़ा सा इधर देखिए, ये पत्ते ये देखिए तुरंत तुरंत करेगा। हाँ हो गया, अब नहीं करोगे ये? नहीं करेगा, ठीक है जाइए। थोड़ा सा कितना किया, 1 2 3 4 किया उसको। आपको पास से दिखाते हैं कितने सारे, दो बिग वाले हैं उसके, दो मीडियम साइज छोटा छोटा है दो, और उसके बाद 5 एकदम छोटा छोटा स्मॉल साइज में है। ये वाला कलर व्हाइट बेस कर दिए हैं, ये हमारा सूख रहा है, सूखने के बाद कलर करते हैं। तो हाथ धो के आती हूँ, फिर थोड़ा सा लंच बनाते हैं। लंच में मैगी बनाएंगे आज, चलिए हमारे साथ मैगी खाते हैं। बाल भी बिखरा बिखरा हो गया है, सब कुछ हो गया। मैं हाथ धो के आ रही हूँ, ये देखिए गाइस हमारा मैगी लंच बन रहा है। और ये हमारे बेटे का, वो मिर्ची डाल के नहीं खाता, मिर्ची उसको तीखा लगता है, इसमें हमने मिर्ची डाला है भर भर के। तो आज हम लंच में ही खा रहे हैं, शाम में कुछ और बनाएंगे, बट अभी यही कर रहे हैं क्योंकि आधा पेंटिंग अभी बाकी है। और हम स्टोन का भी पेंटिंग कर रहे हैं, इनका भी रूम का भी पेंटिंग अभी बाकी है, तो सब कर लेते हैं। तो अभी बस मैगी खाते हैं, फिर तब तक मेरा वो स्टोन सूख रहा है, फिर उसका पेंटिंग करेंगे, और ये भी सूख रहा है फिर इसको भी कर देंगे। चलिए मैगी खाया जाए। ये हमारा मैगी बन गया गर्मा गर्म। ज्यादा नहीं डाले थे, 3 ही डाले थे। मेरी बीवी ने पूरा दुकान लगा दी है पत्थर का, ये देखिए पानी लाना पड़ा है क्योंकि इतना मिर्ची डाल दी है। ये नहीं है मिर्ची, शुरू में और ये स्पेशल लेके हनी भी लेके आए हैं हम, इतना मिर्ची है। ए मिर्ची नहीं है ज्यादा, ये देखिए हम ऐसे खा रहे हैं। 3 ही मिर्ची तो डाले थे, वो क्या है ग्राइंड हो गया ना एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, इसलिए लग रहा है। मैं जो भी हूँ इतना अभी बता दीजिए, खाने से पहले क्या बोलते हैं पे ये बताएंगे, बताइए। जर्मनी में खाने से पहले ना गुटेन एपेटिट बोला जाता है, मतलब कि खाना आपके बॉडी को लगे, बोलते हैं ना हमारे इंडिया में वही है। सब सर्दी खांसी जितना है ना सब खत्म हो जाएगा आपका। जिसको सर्दी नहीं है उसको उसका उसको नहीं हो उसको हो जाएगा। जैसे हमको अभी सर्दी हो रहा है, एकदम गपा गप खा जाए, अभी गर्म भी है ना इसलिए तीखा लग रहा है। इन लोग का नाम ही रखते हैं तीखा मैगी, तीखा मैगी। पति को तीखा मैगी खिला दिया। क्या था जब गुड़गांव में थे सबसे पहला जो आपका क्या था, वो वट सावित्री था, तीज था, तीज था। और आप बोले थे कि मेहंदी लगा हुआ था हाथ में,
बोले बनाने के लिए तो हम कितना मिर्ची जो है डाल दिए थे, कितना हम बोले खा रहे थे मस्त। जब हम शादी करके आए थे ना तो थोड़ा भी मिर्ची नहीं खाते थे, लेप भी मिर्ची नहीं, अब तो खाने लगे। और कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा छोड़ दीजिए, हम खा लेंगे। बेबी जो खिलाएगी खाना पड़ेगा। जान मार दिया आज मेरी बीवी, बहुत तीखा बनाई है, भर भर के। हम तो खा रहे हैं आराम से, इनको ना तीखा लगे। देखिए हम कितना हनी जो है खाए हैं। जान मार दिया आप मेरा। हमको भी तीखा लग रहा है। हमने कितने ये मिर्ची ना बहुत तीखा है, तीन छोटा छोटा मिर्ची, इतना छोटा छोटा था वही डाले हैं। सही में तीखा था, खा गए। मुझे भी तीखा लग रहा है अभी तक जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा टेस्ट बिगड़ जाएगा मैगी का। चलिए चलिए काम करते हैं, स्टोन वाला देखते हैं। चलिए मैं यहाँ गई, मुझे ठंड लग रहा है। ये सारा पत्थर मेरा देखिए सूख के ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कलर करेंगे। ये थक गई हूँ मैं अब कर करके कब होगा। ये कहाँ पे सूख रहा, ये कहाँ पे पीछे है, अभी तक हो ही रहा है। ये अभी बन गया, अभी तीन चार बाकी हैं। इधर का क्या हाल है पेंटिंग का? थोड़ा सा है बेचारा, ये भी थक गए देख रहे हैं, मायूस आदमी। चाय बनाए हैं, बीवी को भी पिलाए हैं। अब हम बिल्कुल थक चुके हैं, क्या काम लेके बैठी है पूरा दिन, दो घंटा अभी तक खत्म नहीं हुआ, ना ही उनका खत्म हुआ ना मेरा खत्म हुआ। कैसे में आ जाएगा? आपको दिखाते हैं टर्न करके, देखिए अब देखिए याद नहीं आ रहे हैं। अरे गजब आ रहे, कितना काम करा रहे हैं भाई मेरी बीवी। यहाँ पे सब काम खुद करना पड़ता है जर्मनी में, हा? कोई भाई नहीं, मजदूर तो यहाँ इतना महंगा है भूल जाइए, है ना हमारे घर का मजदूर। ये देखिए गाइस हो गया है मेरा, है भी है। और ये भी हमने डेकोर के लिए किया है, ये सब अभी सूखा भी नहीं है, अभी सूखने देता, हाथ लग गया। तो ये हमारा इतना सारा हमने स्टोन को पेंट किया है, कैसा लगा बताइएगा। मैं अभी गई हूँ थक, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने। चलिए बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये स्टोन का डेकोर पेंट, डेकोर के लिए हमने बनाया है, मैंने कभी इसे पहले बनाया नहीं है स्टोन पे, और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। और मेरे पति देव जी भी थक गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग में, सी यू बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा बना है ये, बहुत मेहनत लगा है बनाने में। और हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।